दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले हो सकता है थोड़ा बहुत बोरिंग जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि पहले तो अर्निंग उतना खास नहीं हो रहा था, लेकिन जब से अर्निंग धीरे धीरे बढ़ता गया तो बहुत ही खास बन गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और आज के जैसा अर्निंग मैंने कभी नहीं किया और बहुत अच्छे से ड्यूटी किया, मतलब बहुत टाइम ड्यूटी किया, बहुत अच्छे से किया और फुल एनर्जी के साथ, मतलब पूरा पेट खाली है फिर भी मैंने फुल एनर्जी के साथ आज ड्यूटी किया, इतना अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो देख लीजिए, कितना अच्छा लगेगा कमेंट में बता देना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज सुबह से निकल गया, आज संडे, थोड़ा अच्छा कमाई होगा जिसको सोच के मैंने निकल पड़ा। और आठ बज के 5 मिनट पर मैंने लॉग इन किया, तो मेरा गीस भी स्टार्ट है 8 बजे से, 8 से 9, 9 से 11, 11 से 12, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आज 11 गिग्स पर कम करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो निकलता हूँ जल्दी जल्दी और देखता हूँ पहला ऑर्डर कब लगता है। एक्चुअली दोस्तों अभी फिलहाल अपना रूम के पास ही यही है, सिर्फ बाहर आया और यहीं से निकलना है जल्दी जल्दी। तो अभी जस्ट कुछ भी एक भी ऑर्डर नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग। तो अभी आया गंगा स्वीट के पास और हायर एरिया है अभी फिलहाल इधर, ठीक है, जहाँ जिसलिए आया, पर एक भी ऑर्डर नहीं आया। अभी 8:30 हो गया, 8:05 पर मैंने लॉग इन किया, तो देखता हूँ कब तक लगता है। और आज संडे है, सोचा थोड़ा अच्छा कमी होगा, लेकिन ऑर्डर ही नहीं आ रहा है तो कैसे होगा। दोस्तों पहला ऑर्डर 35 रुपीज़ का और साथ ही साथ 20 रुपीज़ का टिप्स है, तो उसे थैंक यू बोल देता हूँ और इस ऑर्डर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ। बहुत टाइम बाद जाके एक ऑर्डर आया, तो फर्स्ट ऑर्डर को लेके जल्दी जल्दी पहुँच गया कस्टमर के लोकेशन पर और जल्दी जल्दी डिलीवरी भी करना है, क्योंकि अभी आ गया लिफ्ट के साइड में, अभी लिफ्ट नहीं आया पहुँचा नहीं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर कर दिया डिलीवरी, 35 रुपीज़ मिला और टिप्स मिलेगा 20 रुपये का, तो टोटल 55 हो गया। तो दोस्तों सेकेंड ऑर्डर भी असाइन हो चुका है और सेकेंड ऑर्डर के साथ भी 30 रुपीज़ का टिप्स मिला है। तो पहला ऑर्डर में 20 रुपीज़, सेकेंड ऑर्डर में 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ टिप्स में आ गया। चलो दोस्तों 3 बजे तक गिग्स था, 3 बजे तक काम करके फिर रूम आया था और अभी फिर से 4 बज गया और लॉग इन भी कर दिया 4 बजे से, फिर से रात 11 बजे तक कंटिन्यू पूरा ड्यूटी है तो करूँगा। और आज अभी तक तो बहुत अच्छा अर्निंग हो गया, मतलब 6 घंटे में 600 के आसपास हो गया, ठीक है। और संडे, जैसे कि संडे तो होना ही चाहिए था और हर एक ऑर्डर में बहुत ज़्यादा ही पैसे मिला आज। डेली जैसे कि 20 रुपये 21 रुपये मिलते हैं, तो आज ऐसे 30-40 ऐसा ही मिला है। तो चलो मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, दिखाता हूँ क्या कितना हुआ है। और एक्चुअली दोस्तों लॉग इन कर दिया, कभी भी ऑर्डर आ सकता है तो निकलना पड़ेगा। और फिलहाल खाना पीना तो नहीं हुआ, खाना नहीं बना पाया क्योंकि सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ, तो खाना नहीं बना पाया, तो ऐसे ही कुछ बाहर से थोड़ा बहुत खाना खाया और अभी रात को ही खाना पड़ेगा, देखता हूँ क्या होता है। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आया और अभी देख सकते हो दोस्तों टोटल हो गया 591 रुपीज़ और 13 ट्रिप्स कंप्लीट किया और 6 घंटा 16 मिनट हुआ। दोस्तों अभी अभी जस्ट लॉग इन किया, जिसके लिए थोड़ा टाइम भी दिख रहा है। अभी देख सकते हो 4:04, मतलब 16:00, मतलब 4:00 है, ठीक है। तो टोटल अब देख सकते हो 591 रुपया हुआ दोस्तों टोटल, और ऑर्डर भी सिंपल 13 ऑर्डर, और हर एक ऑर्डर में कितना मिला है वो अगर देखना है आप देख पाएंगे इधर 30, 26, थोड़ा बहुत कम भी मिला है क्योंकि जो बहुत नज़दीक में जो था वो थोड़ा कम मिला है, और ज़्यादातर पैसा ज़्यादा ही मिला 45, 56, 58। ये ऑर्डर का अर्निंग है, कुछ इसमें टिप्स भी नहीं है दोस्तों। एक ऑर्डर में, दो ऑर्डर में पहले सुबह एक ऑर्डर में टिप्स मिला था और सेकेंड ऑर्डर में, मतलब दो ऑर्डर में टिप्स मिला और वो भी 50 रुपीज़ का। तो चलो बहुत अच्छा है, बढ़िया चल रहा है अभी तक, तो देखता हूँ नेक्स्ट कितना चलता है। और दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन भी आया था तो उसके लिए भी वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ दिन के अंदर, कि मुझे टिप्स मेरे अकाउंट में क्यों नहीं मिलता है, वो तो मैं बता के रहूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बताऊँगा धीरे धीरे सब कुछ। एक मैडम मुझे कमेंट किया था, भाई आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसा तो बोल नहीं सकता मैं कितना, क्योंकि मुझे डेली मैं ऐसा ही करता रहता हूँ तो ये हैबिट हो गया मेरे लिए। तो मेहनत तो है, मुझे भी मालूम है, क्योंकि मेहनत पूरा दिन मैं 24 घंटा काम कर सकता हूँ, अगर ठीक टाइम में मुझे खाना मिल जाए तो मैं आराम से पूरा 24 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन खाना नहीं मिलने के वजह से मैं टायर्ड हो जाता हूँ कभी कभी, ठीक है, जिसके लिए मैं आ जाता हूँ रूम में, फिर खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने का मन करता है, तो इसी हिसाब से थोड़ा बहुत ऐसे ही डिले हो जाता है, मतलब थोड़ा लेजी हो जाता हूँ। अदरवाइज मैं 24 आवर्स काम कर सकता हूँ और ये हैबिट मेरा पहले से ही, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कभी भी कष्ट ऐसा लगता नहीं कि मुझे कष्ट हो गया मेरा, ऐसा नहीं लगता, हमेशा मैं कंटिन्यूसली 24 आवर्स काम कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे खाना चाहिए थोड़ा बहुत और कुछ नहीं।
ऐसा अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता, और खाना अगर नहीं खाना पड़ता तो और भी बढ़िया रहता। मैं बहुत काम कर पाता, बहुत पैसा कमा सकता था वो, लेकिन खाना भी जरूरी है, जिसके लिए कभी कभी रूम आना पड़ता है, काम खाना बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग तो करता हूँ, ये तो हार्ड वर्किंग है, इससे भी बहुत हार्ड वर्किंग होता है। मैं तो देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो उन लोगों को कि इतना मेहनत कर रहा है, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं मेहनत करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के पास जितना मेहनत करते हैं वो लोग, उससे मुझे नहीं लगता कि मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, सही होता है दोस्तों सब हमेशा, मतलब क्या बताओ, ऐसा कभी कभी उदाहरण भी देखना चाहिए कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, उससे मैं बेटर हो के नहीं। किसी को खाना मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो भी, जैसे मैं एक घर में रह सकता हूँ, कभी कोई कोई तो सड़क पर रहता है, तो उनसे मैं बेहतर हूँ, बेहतर समझ के खुश रहना चाहिए। मतलब मैं हमेशा तकलीफ में हूँ, ये सोचना गलत है, मेरे से भी ज़्यादा तकलीफ में कोई ना कोई है। ठीक है, कभी कभी तो मैं जब सड़क पर कोई किसी को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उससे तो मैं थोड़ा बेहतर हूँ, मैं अपना पैसों से खा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं कोई घर में रह रहा हूँ। हाँ, तो वो लोगों के पास घर नहीं है, खाना खाने के लिए किसी के पास हाथ फैलाना पड़ता है, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, तो उनसे मैं बेहतर हूँ। ठीक है, बेहतर जगह पर हूँ, जो भी हो, मतलब तकलीफ है, सबको तकलीफ है, उसको उतना बड़ा नहीं देखना चाहिए, आपसे भी कोई तकलीफ है ये सोचना चाहिए। ठीक है, तो चलो ऐसा ज्ञान के बाद मिलता रहेगा कभी कभी। तो दोस्तों अभी के लिए पहला ऑर्डर वो भी 47 रुपीज़ का, तो चलिए इसको कंप्लीट करता हूँ, और ये बहुत नज़दीक में भी है डिलीवरी पॉइंट। दोस्तों पिकअप लोकेशन पर पहुँच गया, पेन ऑर्डर अभी तक रेडी है। तो दोस्तों ये जो ऑर्डर है रेड बॉक्स है, पूरा आधा घंटा बाद जाके मिला। मतलब एक रेस्टोरेंट वाला जो अगर आधा घंटा लेट करता है तो सोचो पैसा कैसे ज़्यादा मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा कमाऊँगा आज, थोड़ा ज़्यादा कमाऊँगा आज, थोड़ा मेहनत करूँगा, लेकिन ऐसा लेट हो जाता है रेस्टोरेंट में भी इतना ज़्यादा, आधा घंटा एक ऑर्डर में, फिर डिलीवरी करने में और भी 15-20 मिनट लग जाएगा। तो मतलब एक घंटे में एक से दो ऑर्डर मिलता है, तो क्यों पैसा कम नहीं होगा। तो दोस्तों इस ऑर्डर में मुझे मिले 47 रुपीज़। तो बहुत दिन बाद जाके एक टारगेट कम्प्लीट कर पाए, 1001 रुपया कम्प्लीट किया अभी, और अभी 9 बज गए, मतलब टोटली 9 आए 1 सेकेंड भी ज़्यादा नहीं, और बस बहुत दिन बाद जाके ये 1000 रुपीज़ कम्प्लीट कर पाया, और अभी भी 2 घंटा पूरा बाकी है, तो देखता हूँ इसमें कितना मिल जाए। दोस्तों अभी अभी एक ऑर्डर ऐसे हो गया ऑलरेडी, चिकन ओनली चिकन, सो वही तो ऑर्डर है दोस्तों, और आप देख सकते हो 1000 रुपीज़, 1001 रुपया, मतलब 1001 रुपया। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 11 घंटा 17 मिनट हो गया, और अभी भी 2 घंटे का ड्यूटी है, मतलब 13 घंटे के आसपास ड्यूटी होगा आज। दोस्तों सेकेंड टारगेट जैसे कि 1100 रुपया क्रॉस कर चुका है, और टाइम भी बहुत कम किया, ऑर्डर भी बहुत सारा कम्प्लीट किया। दोस्तों फिर से एक ऑर्डर असाइन हो चुका है आप देख सकते हो, और अभी के लिए कितना अर्निंग हो गया आप देख सकते हो, 1135 रुपये, और 12 घंटा 10 मिनट हो गया मेरा जो लॉग इन आवर्स, और ऑर्डर्स भी काफ़ी सारा है, तो ये ऑर्डर को पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ कितना होता है। दोस्तों एक के बाद एक इतना ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहा है, और हर एक ऑर्डर में थोड़ा ज़्यादा पैसा, क्योंकि संडे है और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहा है, मतलब क्या बोलता है, एक ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ तो साथ ही साथ दूसरा ऑर्डर असाइन हो जाता है, तो काफ़ी सारा ऑर्डर तो अब कर दिया मैं, आप देखा तो देखता हूँ, रात 11 बजे तक ड्यूटी है, अभी 10 बजने वाला 10 बज चुका है ऑलरेडी, और 1-2 मिनट होगा, और 1 घंटे का ड्यूटी है, 1 घंटे में कितना होगा वो तो पता चल जाएगा लास्ट तक। दोस्तों एक बात कहना बहुत ज़रूरी समझा, कि जब तक मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ऐसा करो वैसा करो, तब तक कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, सब वीडियो देखता है, मैं तो देखता हूँ कितना परसेंट वीडियो देखता है मेरा, उसमें कितना आदमी सब्सक्राइब किया, कितना आदमी नहीं किया। चलो मेरा ऑर्डर रेडी हुआ, तो सब्सक्राइब कर देना। तो ऑर्डर को पिकअप कर लिया, और पिकअप मतलब बात करते करते पिकअप का टाइम हो गया था। ठीक है, तो एक बात वही कंप्लीट नहीं कर पाया था, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस। दोस्तों ऑर्डर डिलीवरी करता हूँ तो साथ ही साथ और एक ऑर्डर असाइन हो जाता है, फिर से अभी डिलीवरी करके आया एक ऑर्डर, वो कैश ऑन डिलीवरी था, फिर दूसरा एक ऑर्डर आ गया अभी अभी, और ये भी रेड बॉक्स है, पहले भी आया था उधर से, पहला ऑर्डर लिया था आज दोपहर का। ठीक है, सही वही पे अब फिर से ऑर्डर आया, और सब्सक्राइब कर दो यार। दोस्तों थर्ड टारगेट भी पूरा हो गया, 1200 रुपये कंप्लीट हो गया है, और 1200-1516 रुपये ऐसा ही कुछ किया है, तो और भी टाइम है, अभी भी 45-45 मिनट्स है, तो देखता हूँ और एक दो ऑर्डर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आज जैसे काम हुआ है, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत दिन बाद जाके इतना काम कर पाए। एक्चुअली दोस्तों खाना नहीं खाए जिसके लिए इतना पैसा मिल रहा है, क्योंकि खाना खाने के लिए जितना टाइम चाहिए था वो टाइम मैं बर्बाद नहीं किया आज। ठीक है, और बहुत कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है जिसके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, तो चलो ठीक है, देखता हूँ, और ज़्यादा दिन तो करूँगा नहीं।
तो मोबाइल स्क्रीन पर अभी देख सकते हो 1216 रुपये हो गया और 12 घंटा 43 मिनट हो गया मेरा लॉगिन आवर्स, काफ़ी टाइम काम कर रहा हूँ। और हाथ में 33 मिनट्स है क्योंकि 11 बजे तक गिग्स है, तो 33। और गिग्स अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो भी था वो बुक हो चुका है। और कल भी जैसे कि दोस्तों टुमारो जैसे कि मंडे है, मंडे ज़्यादातर राइडर्स नहीं रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, सो मैं इसलिए कल 10 गिग्स बुक करके रखा है, काफ़ी सारे गिग्स मैंने बुक करके रखा है, ठीक है, क्योंकि वो जो ट्रिक्स है वो अप्लाई होता है, अच्छा होता है, ठीक है। दोस्तों फिर से एक 48 रुपीज़ का ऑर्डर आया, बहुत ही बढ़िया, चलो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ऑर्डर भी रेडी है, तो जल्दी जल्दी पिकअप कर लेता हूँ, आया था लेकिन ऑर्डर ऑलरेडी रेडी है। तो दोस्तों ये यू टर्न लेके बोल रहे हैं 3.6 किलोमीटर, लेकिन मैं इसको सीधा चला जाएगा, मतलब रॉन्ग साइड में जाने से 100-200 मीटर होगा, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इसमें जाके डिलीवरी कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है, ऐसा होता है। दोस्तों बहुत ही जल्दी 1.5 मिनट के अंदर मैंने पहुँच गया, हर कस्टमर को हैंड ऑर्डर कर दिया, तो चलो देखता हूँ इस बार मिलता कितना है। 48 तो मिलना चाहिए, ओके 47, 1 रुपया कम मिला, बहुत बढ़िया, चलो 9 मिनट लगा टोटल टाइम। गेट नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ, तो हाई ऑर्डर एरिया में हूँ फिलहाल, और अभी तक आप देख सकते हो 1263 रुपये हो गया दोस्तों, और एक ऑर्डर ऐसे बड़ा वाला मिल जाए तो बस हो जाएगा आज का। तो अभी एक ही ऑर्डर के लिए वेट कर रहा हूँ, कब मिलेगा, अभी भी है 10-15 मिनट तक हाथ में है, और ऐसा मिल जाता है कभी कभी, लेकिन अभी कब मिलेगा वो नहीं पता, जल्दी मिल जाता तो जल्दी जल्दी करके रूम चला जाता, बहुत भूख लगा है, बात भी ठीक से नहीं निकल पा रहा है, मतलब इतना भूख लगा है, ठीक है, पूरा दिन ऐसा ही धूप है, कभी ऐसा भूख में चलता नहीं है, फिर भी चला रहा हूँ, और गाड़ी भी ठीक से साथ नहीं दे रहा है क्योंकि उसको ऑयल चेंज नहीं किया, अभी 2 महीना हो गया इसके लिए वो चल भी नहीं रहा है ठीक से, और स्टार्ट भी कभी कभी रुक जाता है, कभी कभी होता नहीं है, बहुत टाइम लेते हैं, तो दिक्कत भी चल रही है, मतलब चारों तरफ से दिक्कत हो रही है, तो फिर देखता हूँ क्या होता है लास्ट तक। आज तो ऐसे ही ड्यूटी ख़त्म होने वाला है, काफ़ी अच्छा अर्निंग हो गया, मेहनत के हिसाब से बहुत पैसा मिल गया, मतलब ऐसा नहीं मिलता है, डेली तो बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता है, तो आज मेहनत जैसे किया वैसे पैसा भी मिला, और कल जैसे कि 878 रुपीज़ मिला था कल, तो आज टोटल मिला के हो गया 2000 से ऊपर, मतलब 2 दिन में 2000 कमा लिया, बहुत बढ़िया, चलो। तो दोस्तों ये हफ्ता काफ़ी अच्छा अर्निंग हो गया, इतना सोचा नहीं था लेकिन ऐसा हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो ये हफ्ते का भी अर्निंग होता है, जैसे कि दोस्तों आज संडे है तो आज पूरा हफ्ता क्लियर हो रहा है, तो पहले कुछ दिन तक मेरा अच्छा अर्निंग नहीं हुआ है, बहुत टाइम मेहनत किया लेकिन उतना अर्निंग नहीं कर पाया, तो एक एक दिन में आप देख सकते हो 636 रुपया, फिर 817 रुपया, 567 रुपया, 765, 509, 878 सॉरी 40 रुपये का ऑर्डर लगा, चलो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है, पहले एक ही मिनट के अंदर पहुंच गया लास्ट ऑर्डर पिकअप लोकेशन, ऑर्डर रेडी भी है, जल्दी जल्दी पिकअप कर लेता हूँ, ये है मेरा लास्ट ऑर्डर और इसको कर लिया पिकअप, भी चलता हूँ जल्दी जल्दी डिलीवरी पॉइंट पे पहुँचता हूँ, और क्योंकि डिलीवरी पॉइंट थोड़ा डिस्टेंस ही होगा क्योंकि 40 रुपीज़ मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस तो होगा ही, और ये है मेरा बाइक और इसी से रखता हूँ, चलता हूँ, ऑर्डर को कर दिया बैग में, तो चलो अभी फिर निकलता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी थोड़ा सा तेज़ी से चलाया और 11:01 पर मैं ये ऑर्डर को डिलीवरी किया, ठीक है, और अभी इस ऑर्डर को मिला कितना है वो थोड़ा देख लेता हूँ क्योंकि जब तक नहीं देखेंगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा, ओके 40 रुपया 1 पैसा, चलो बहुत बढ़िया, और आज के लिए अर्निंग अगर देखना है दोस्तों कितना हो गया, बहुत बढ़िया चला 1303 रुपया, बहुत 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 अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं आज। तो पूरा दिन सबको खाना खिला के अभी मैं आया खाना खाने, यही पे मैं खाता हूँ अभी डेली क्योंकि यही पे थोड़ा सा कम पैसों में मिलता है सब कुछ, तो मेरा रूम का बगल में है, मुझे पहले पता नहीं था लेकिन अभी पता है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ खाने के लिए। तो मोबाइल स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, लास्ट में दिखा देता हूँ कि कितना अर्निंग हुआ है दोस्तों, आज पूरा दिन काम करके आप देख सकते हो 13 घंटा 27 मिनट तक मैंने काम किया और एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है, और 1303 रुपया कमाया, 33 पैसा कमाया टोटल, ठीक है, और टोटल जो ऑर्डर्स मैंने कंप्लीट किया आप देख पाएंगे इसमें 34 ऑर्डर्स कंप्लीट किया, 32 ट्रिप्स, 2 मल्टी ऑर्डर आया था, और टाइम भी देख सकते हो दोस्तों कितना टाइम तक मैंने काम किया आज, ठीक है, 13 घंटा 37 मिनट। और ऊपर से दोस्तों ये हफ्ते का अगर देखा जाए तो हफ्ते में आप देख लीजिए कितना अर्निंग किया आज ये, क्योंकि लास्ट ऑर्डर मैंने अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया, तो 5474 रुपया मैंने
कमाया ये हफ्ता। टोटल आप ट्रिप्स देख सकते हो, ट्रिप्स 173 और 76 आवर्स काम किया, मतलब एक एक दिन में मैं कम से कम 11 घंटा तक काम किया डेली, तो जाके 76 आवर्स हो रहा है एक हफ्ते में। और 180 ऑर्डर्स कंप्लीट किया दोस्तों। इसमें ऑर्डर अर्निंग है 5154 रुपीज़ और जो दोस्तों कस्टमर से टिप्स मिला 320 रुपया, तो ये टोटल मिला के हो गया 5474 रुपीज़। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा अर्निंग हुआ है, बहुत खुश हूँ दोस्तों। सब कुछ मिट आ गया, अभी के लिए इतना ही वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। ऐसे भी तो दिल टूटा हुआ है, पता नहीं कब तक जुड़ा लगेगा कि नहीं, वो भी पता नहीं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा खुश रहूँगा।